हेलो फ्रेंड्स, ओम ऑफ ऑसम वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के प्रार्थना के कारण, आप सभी के दुआओं के कारण जितने भी अरुणाचली स्टूडेंट्स पंजाब फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट विलेज चुनी कला में फंसा हुआ था, हम सब 35 स्टूडेंट्स वहाँ से एक ही बस में निकला था। हम सब बिना लंच के, बिना डिनर के, एक एक एप्पल खा के अपना अरुणाचल प्रदेश में 3 रात और 2 दिन आधा बस से सफ़र करते हुए लगभग 3,000 किलोमीटर को पार करके हम सब सही सलामत यहाँ पे पहुँचा है। हम सब वहाँ से निकला था 10 तारीख 3 बजे शाम को और यहाँ पहुँचा है 13 तारीख सुबह 5 बजे को। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पहुँचते समय पीटीसी बंदर दुआ वहाँ पे कोई पुलिस पर्सनल नहीं था और ना ही मेडिकल स्टाफ था, तो उसी के चलते बारिश में हम सभी को मोर देन 2.5 आवर्स अपना लगेज को कैरी करके इधर उधर जाना पड़ा अपना नाम एंट्री करने के लिए। और आखिरकार मोर देन 2 आवर्स रोकने के बाद हमारा नाम एंट्री हुआ, हमारा थर्मल स्क्रीनिंग हुआ। उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था, हमारा फ्रेंड से 5 डॉगी लेके आया था, उसको अलाउड नहीं कर रहा था क्वारंटाइन सेंटर में ले जाना, अलाउड नहीं है बोल के, और कोई पेरेंट्स भी उसको पिकअप करना अलाउड नहीं था। तो उसी के चलते हमारा डॉगी के ओनर्स फ्रेंड्स जो दुखी हो गया था क्योंकि अपने साथ इतना प्यार से पाला हुआ था, इसलिए वह चोर कर नहीं जा सका अपना साथ जैसे तैसे लेकर आया था। आखिर में जैसे जैसे मना के हम सब अपना डॉगी के साथ 2 बसेस में डिवाइड होकर पुलिस के साथ बंदर दुआ पीटीसी से चंद्रानगर की ओर रवाना हुआ, हमारा क्वारंटाइन सेंटर की ओर, और यहाँ पहुँचा। वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर प्लस दूर है और हम सब यहाँ पे पहुँचा तो पब्लिक होटल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था क्योंकि जो अरुणाचली स्ट्रैंडेड पहले आया हुआ था क्वारंटाइन सेंटर से बाहर घूमते फिरते हुए देखा गया था, उसी के चलते यहाँ के पब्लिक गुस्सा है हम सभी के ऊपर, प्रोटेस्ट कर रहा था क्योंकि कोरोना वायरस ऐसे होने से फैल जाएगा बोल के। फिर भी जैसे तैसे पुलिस पर्सनल, ITBP, आयरबैंड के साथ हमें होटल में जैसे तैसे घुसाया गया और हमारा ब्रीफिंग हुआ, मगर फिर से सेम प्रॉब्लम आ गया, डॉगी को नहीं रखना है बोल के। मगर जैसे तैसे हम सभी ने मना किया, हेड ऑफ़ पुलिस उसको भी डॉगी पसंद था, उसने भी जैसे तैसे अलाउड कर दिया और होटल मालिक को समझाया और यहाँ के वर्कर्स को समझाया, जो भी डॉगी रखा है सब सफाई खुद से करेंगे बोल के, और जैसे तैसे हम सब डॉगी को अंदर घुसा दिया। तो इस तरह हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। स्पेशली हम सभी ने खाना पीना नहीं खाया हुआ था तो हमारे पास एनर्जी नहीं था वीडियो बनाने के लिए, फिर भी जैसे तैसे कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने बनाया हुआ है, तो चलो वीडियो क्लिप्स को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आखिरकार हम रेडी है यहाँ से निकलने के लिए अपना अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं पीछे बस खड़ा है, सब सामान पैक है, सैनिटाइजेशन से लेकर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही सलामत, सब कुछ रेडी है। अभी 1 घंटा के अंदर हम निकल जाएंगे यहाँ से, और इसके आगे वहाँ पे है डॉल्फिन PG कॉलेज ऑफ साइंस एंड एग्रीकल्चर। यहाँ में जितना भी अरुणाचल का स्टूडेंट है तो हम सब एक ही बस में निकल रहे हैं और हम यहाँ पे ग्रीन जोन में रहते हैं बहुत सेफ से, इसलिए हम किसी के साथ जाने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए हम सही सलामत एक ही बस में सेफ से जाकर क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे बैठना है 14 डेज़ का। तो आपको बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा, सबसे पहले आपको मैं कुछ रूम कैसा है दिखाता हूँ, बस के अंदर कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं सामान पैक है। सब रेडी है, यहाँ में डॉगी भी है और वहाँ पे ड्राइवर भैया होगा, तो आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा बस कुछ इस तरह है, ऊपर में सो भी सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट सब कुछ है, और यहाँ पे नीचे बैठने का है वहाँ भी चार्जिंग पॉइंट है। तो अभी तक फ्रेंड्स आया नहीं है मगर पूरा सामान हम लोग पैक कर दिया है, तो बीच बीच में आपको मैं वीडियो क्लिप खींच कर अगर सकने से दिखाता रहूँगा बीच बीच में। ये है हमारा बस,
तो आपको मिलते हैं बीच बीच में, अगर पॉसिबल होगा तो कुछ कुछ वीडियो क्लिप्स लूँगा। उसके बाद जब मैं क्वारंटाइन अपना ईटानगर पहुँच जाऊँगा तो आपको मैं सब एक साथ डाल के दिखाता हूँ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पहुँच गए हैं बिहार में। हमारा नेक्स्ट दिन है और मेरा साथ पीछे में रोबिन दोस्त आगस है और आशीष साहब जो उधर दिखाने का बात कर रहा है, ये आगस है। आशीष साहब वहाँ पे है। हम लोग ये स्लीपर ऊपर में सोया हुआ है, बस सोने के लिए बनाया है। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं लाइट जो जल रहा है, एसी है यहाँ में। तो दिन यहाँ में बहुत सारा पानी गिर गया था, तो नीचे हम लोग अभी लेट रहे, यहाँ पानी फुल हो गया था। तो आज हमारा नेक्स्ट दिन है। कल 3 बजे निकला था, 10 तारीख को। खाना पीना सब कुछ अपना से कुछ कुछ लेके आया, उसको ही कहते जा रहा है। तो हम लोग सेफ्टी से जाने के लिए कहीं होटल में भी नहीं नामा है, यूरिन वगैरह जो जंगल में कुछ कुछ जगह नाम के। तो दोस्त दोनों को जानते हैं, ये हमारा यादगार सफ़र, इतना लंबा सफ़र कैसा महसूस हो रहा है, दोनों से कुछ अपडेट लेते हैं। दोस्त दोनों बताओ कुछ कुछ। हेलो फ्रेंड्स, अभी ये दूसरा दिन है हमारे सफ़र का। फ़िलहाल हम आप बिहार से जा रहे हैं। काफ़ी शायद 1-2 घंटा हो गया बिहार पहुंचने वाला। फिलहाल अब तक तो काफ़ी ठीक ठाक है, वैसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है, बाथरूम टॉयलेट, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ में मेल्स नहीं है ना, फीमेल्स भी हैं, लड़कियाँ भी सफ़र कर रही हैं हमारे साथ। तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहा है उस चीज़ को लेके। डिजीनेस तो थोड़ा बहुत है अभी भी, माथा दर्द और थोड़ा सा वो चक्कर आना, मोशन सिकनेस। उतना कुछ पेट भर के खा भी नहीं पा रहे, उसका कारण भी शायद ये थोड़ा बदन कमज़ोर भी हो रहा है शायद। कुछ कुछ चीज़ हम घर से लेके आए थे, कुकीज़ हो गया, चना हो गया, वो सब चीज़ ही खा रहे हैं। हमने तो ड्राइवर को भी मना किया हुआ है कि उतर कर ड्राइवर भी कहीं ना खाए कुछ भी, क्योंकि अगर किसी एक को गलती से बाई चांस से कुछ भी हो जाता है तो इसका ये हमारे सबों को भुगतना पड़ेगा उसका रिजल्ट जो। तो इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि हम ना कहीं रुकेंगे, ना कहीं से कुछ सामान लेंगे, बस सिर्फ वो टॉयलेट और यूरिन के लिए रुकेंगे कहीं कहीं जंगल पे। फर्स्ट डे से तो थोड़ा बेटर है, फर्स्ट डे में तकलीफ था थोड़ा ज़्यादा, अभी धीरे धीरे शायद बदन भी उसका मोशन में आ रहा है सफ़र का। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फ़िलहाल हम बिहार पे चल रहे हैं। कल नहीं तो आज सुबह शायद वेस्ट बंगाल पहुंच जाएंगे हम। कल सुबह ना। ओ ठीक है। तो मेरा दोस्त आगस दादा यहाँ पर बैठा हुआ है, उससे भी कुछ सुन लीजिए उसका सफ़र के बारे में। सफ़र तो बहुत बोरिंग रह रहे हैं, दिन बस होके बीते हैं, दिन भर माथा दर्द हो गया। और बस के अंदर में ये मोशन सिकनेस के कारण कुछ भी करने के लिए दिल नहीं होता है, दिन भर सो के बीतते हैं। और शायद कल शाम तक गुवाहाटी पहुँच जाएंगे हम, और परसों शाम हमारे अरुणाचल पहुँच जाएंगे। और इस जर्नी में हम पूरा प्रिकॉशन के साथ जा रहे हैं, हम कहीं होटल पे भी नहीं रुका हुआ है, कहीं बाथरूम टॉयलेट कहीं किसी कमन बाथरूम में हम कभी कहीं पे भी नहीं रुके। हम रुके तो सिर्फ जंगल में रुक रहे हैं, ताकि हमें कहीं से बीमार ना लगे।
देखते हैं अभी और सफ़र क्या होगा। अभी तक तो फिलहाल थोड़ा सा डिजीनेस आ रहा है, माता चक्र हो रहा है। ओके, तो आप सभी ने सुना है मैं इतना पीछे क्यों हूँ आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत जगह वो छोटा है, एक साथ नहीं ले सकते, तो मैं थोड़ा नीचे हूँ और मुझे तो बस जाना बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। 20-30 किलोमीटर तक उससे आगे बस से मैं नहीं जाता हूँ, वोमिटिंग हो जाता है। तो रात में मैं बर्दाश्त नहीं हुआ, वोमिटिंग किया था, मगर किसी को पता नहीं, दोस्त पता चला मेरा नहीं, मुझे तो पता नहीं। सुबह मुझे इसने सुबह ही बताया कि इसने वोमिटिंग किया था वो मैंने चुपके से रात में कर लिया था मैंने, क्योंकि मेरा मैंने एक छोटा सा बैग है ना, दिखाता हूँ ये जो बैग है या? कुछ इतना खास नहीं है, मैंने पूरा कैरी बैग लेके आया हुआ है इमरजेंसी में तो रात में मैंने वो किया था, एक बार उठा बैठा तो लग गया, और वो समय को लकीली लाइट बंद कर दिया था दोस्तों ने, तो मैंने अपना कैरी बैग निकाला कर दिया कोई मालूम नहीं कोई मालूम नहीं हुआ है, तो ये भी अच्छा है, अगर किसी को मालूम होगा तो वो लोग को भी लग जाना था। और हमें स्पेशली ये जो क्या था इसको एसी से भी प्रॉब्लम होता है, एसी वाला रूम भी पसंद नहीं होता है मुझे स्पेशली, और ये अगस्त दोस्त को हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो गैस एसी से, तो उसका वो है माता सता भी काल से दर्द था, वो उठने नहीं सक रहा था, मेरा भी वही प्रॉब्लम होता है एसी से। तो कुछ दोस्तों से पूछते हैं वो लोग का जर्नी क्या महसूस हो रहा है, ये जर्नी हमारा सबसे लंबा जर्नी है बस से, ऐसा कभी जर्नी बाद में होगा या नहीं होगा पता नहीं, फिलहाल तो सबसे लंबा है क्योंकि हम सेफ्टी के लिए निकला था। अब तक हम सब का सबसे लंबा सफ़र है ये जर्नी जो है ना, सबसे लंबा जर्नी होगा ये, 4 साल में फर्स्ट एक्सपीरियंस। एसी से तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, एसी से पूरा बदन दिया इधर से हो जाते लगते हैं, माथा दर्द हो जाते हैं, नाक गर्म हो जाते हैं, शायद साइनस का प्रॉब्लम भी होता होगा, पर एसी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये है आप देख सकते हैं बिस्तर, अभी हम यहीं पे थे, हमारा दोस्त तो नहीं यहाँ है रोबिन दोस्त, और ये जो ब्लू लाइट जल रहा है अभी वो नहीं है, वाइट लाइट नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा सफ़र का आज 3रा दिन है, हम पहुँच गए हैं, हम पहुँचा है अभी आसाम में, और मेरा साथ अशुंग दोस्त है, सब मैनेजमेंट ये दोस्त ने किया है, और दोस्त जो अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन चंडीगढ़ का AGS है हमारा साथी है, सब कुछ मैनेजमेंट इसने किया है, नहीं तो बहुत लोग फंसा हुआ था वहाँ पे, सभी फंसा था हमारा कॉलेज का, क्योंकि हम किसी के साथ जाना नहीं चाहते थे, हमारा ग्रीन जोन है, हम बहुत सेफ से रहा था। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लिया गया है दोस्त ने, दोस्त से जानते हैं, दोस्त डिटेल से बताओ, कुछ लोग डाउट होगा, हम कॉन्टामिनेट भी होगा ऐसा सोचा होगा रास्ता में ना, और डिटेल से बता दो दोस्त से जानते हैं। सबसे पहले तो आदमी लोग सोच रहा होगा कि हम लोग अपना क्या थोड़ा सा गवर्नमेंट का ऑर्डर के लिए रुकने से क्या मतलब खुद आ गया, यूँ ही निकल गया, आदमी लोग ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन कंडीशन ऐसा हो गया कि हम लोग को आना पड़ा, क्योंकि हम लोग का गवर्नमेंट ना ही हम लोग के लिए कुछ ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ऐसा ऐसा वो समय में आना है, वो पेस में लेके आएगा, ऐसा प्रोवाइड करेगा, ना ही ऐसा ऑफिशियली अनाउंस किया है, और दूसरा बात ना ही गवर्नमेंट हम लोग को ऑफिशियली अनाउंस किया है कि तुम लोग प्राइवेट करके मत आओ बोल के, ऐसा भी कुछ ऑफिशियली भी नहीं निकला है। तो हम लोग ने सोचा कि मतलब अगर हम लोग गवर्नमेंट टू पेस वाइज करेगा बोला, लेकिन हम लोग को कब करेगा ये तो नहीं बताया, तो हमने सोचा कि अगर गवर्नमेंट करता है तो वो गवर्नमेंट तो कॉमन से करेगा, ऊपर से गवर्नमेंट ने हम लोग के लिए एक स्पेशल ट्रेन देगा बोल के एक नोटिस दिया था। तो ट्रेन में तो एक दो आदमी को तो नहीं ले जाता है, ट्रेन स्टेशन में पार्क होने से तो अलग अलग पूरा होल स्टेट का स्टूडेंट को एक साथ ले जाएगा एक दिन में, तो वहाँ में अलग अलग जोन वाला हाँ मिक्सअप हो जाएगा, रेड जोन ऑरेंज जोन अलग अलग जोन का मिक्सअप हो जाएगा, और हम लोग का ये जो ग्रुप है हम लोग एक ही एरिया का है, हम लोग जो फतेहगढ़ साहिब में आता है, तो जो कि ग्रीन जोन है वहाँ पे कोरोना का एक दो भी केस नहीं है, तो अगर हम लोग जो ग्रीन जोन वाला आदमी हम लोग ऐसे कॉमन में आएगा मतलब पब्लिक गैदरिंग प्लेस में आएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग किसी ना किसी मतलब गैदरिंग में तो पब्लिक में तो किसी न किसी के साथ तो कांटेक्ट हो जाएगा ना, तो वहाँ पे हम लोग का रिस्क बनता है एक, तो हम लोग का इतना महीना से हम लोग ग्रीन जोन में जो बैठ रहा था उसका हम लोग को बेनिफिट नहीं होता है, तो
तो अगर हम लोग ग्रीन जोन वाला आदमी लोग एक साथ जाके एक साथ कुछ सेफ्टी को मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना के कुछ फॉलो करके हम लोग अपना स्टेट पहुँच जाए तो हम लोग के लिए वो बेनिफिट होता है ना। तो ऐसा सोच के हम लोग ने मतलब एक बस हायर किया, हम लोग अपना वो ऑफिसर्स अपना जहाँ पर रह रहे वहाँ का ऑफिसर्स लोग को बातचीत किया, फिर अपना नोडल ऑफिसर्स लोग को इन्फॉर्मेशन दिया। इसका देने के बाद हम लोग खुद प्राइवेट से बस हायर करके हम लोग वहाँ का गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के बस को सैनिटाइज किया, हमारे स्टूडेंट को पूरा स्क्रीनिंग टेस्ट किया, ड्राइवर लोग को पूरा टेस्ट किया। तो ऐसा होकर हम लोग वहाँ से गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लिमिटेड सीट करके ऐसा करके हम लोग बस में ऊपर आया और हम लोग जर्नी में आया। तो जर्नी नहीं करने से पहले हम लोग खुद एक हम लोग वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे हम लोग को भी रूल्स दिया कि ऐसा करना है बोल के, और हम लोग से भी हम लोग ने भी खुद एक एक्स्ट्रा रूल्स भी ऐड किया अपने आप से। अभी हम लोग तीन दिन हो गए और अभी तक हम लोग ने किसी ढाबा या दुकान में रुक के हम लोग कुछ खाया पिया नहीं। जितना हम लोग जो बस में का पी रहे वो हमारे जो ग्रीन जोन एरिया से हमारे जो एरिया से है वहाँ से हमने दुकान से कुछ फ्रूट्स और जो ब्रेड बटर जो भी दुकान वाले सामान मिला उन्हें मतलब अपना बजट का मुताबिक से हम सभी ने बस में लगा के उसी को खा पी के आ रहे अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो ड्राइवर को भी नाम नहीं, और हाँ और साथ ही साथ हम लोग अपने ड्राइवर को भी नामने नहीं दे रहे, मतलब ड्राइवर को कहीं भी उतरने भी नहीं दे रहे। तो अगर बाथरूम कहीं कुछ लगने से भी हम लोग जंगल में ही कर रहे हैं। इसके साथ फिर हम लोग बस के आगे में भी एक बड़ा वाला सैनिटाइजर लगाया, कोई भी बाथरूम जाके वापस आए तो वो फुल्ली सैनिटाइज होके अपना सीट में ही बैठे। और सारे मेरे स्टूडेंट्स साथ में हैं और वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक तो पहुंचा नहीं और एक रात बाकी है, शायद कल दिन को भी पहुंच जाएंगे शायद, तो देखते हैं आगे भी। अभी हमें कंटिन्यू फॉलो करना है अपना ये रूल्स ताकि हम लोग सेफ्टी हो सके। तो बाकी जो बाद में प्राइवेट में आएंगे शायद वो लोग भी ऐसे अपने आप से रूल्स एंड रेगुलेशन अपने आप से नॉर्म्स बना के आए ताकि कुछ सेफ्टी हो। और दूसरा बात ये है कि क्वारंटाइन सेंटर वाला, तो हम लोग जब निकलने से पहले जब वहाँ पर फेसबुक न्यूज़ हर जगह में वायरल हो रहा था जो हमारा PTC बंदरदेवा वाला क्वारंटाइन, तो उसका कंडीशन मतलब मैंने भी खुद पूछा वहाँ का जो मेरा दोस्त लुक है वहाँ पे आया हुआ बैठा हुआ है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पढ़ते हैं, तो उन लोगों से कंडीशन पूछा तो उन लोगों ने बताया बहुत बुरा हालत है मत आओ बोला। तो हमने डिसाइड किया कि वो PTC बंदरदेवा नहीं आएंगे, और ऊपर से हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट कुछ पेड क्वारंटाइन होटल्स मतलब लागू कर दिया था। तो हमने और हमारे यहाँ के बच्चे के पेरेंट्स ने मिलके हमारे लिए वहाँ पर एक क्वारंटाइन रिजर्व करके रख दिया, क्वारंटाइन होटल पेड क्वारंटाइन होटल रिजर्व करके रख दिया। तो देखते हैं हम आगे चेक गेट पहुँचेंगे, फिर हमारे वहाँ पर स्क्रीन होंगे, टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर हम पेड क्वारंटाइन होटल में रहेंगे। ओके, यह था अचुंग दोस्त। हम सब जितना भी फ्रेंड्स है उसका बहुत सारा थैंकफुल है, वो नहीं होता तो हम सब एकता नहीं आ पाते, वहाँ कोई रह जाता, क्योंकि वो जो बंदरदेवा PTC वो वाले है ना क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, और हमें इतना प्राइवेट में रहना वो सब भी आइडिया नहीं था। तो दोस्त नोडल ऑफिसर इधर उधर पता करके हम सबको एक साथ लाया है। अगर इतना मेहनत से सेफ्टी में रहा और क्वारंटाइन सेंटर ऐसा है तो हम वहाँ जाना नहीं चाहते, इसलिए हम प्राइवेट दोस्त ने इधर उधर पेरेंट्स लोगों से बातचीत करके सब मीटिंग करके हमारे लिए बुक हुआ। बंदरदेवा ऐसा है ना, हम लोग अभी इतना सेफ्टी से अपना बाथरूम टॉयलेट भी यूज़ नहीं करके जंगल होके आ रहा है। अगर हम देखो मिक्स वाला सब जोन वहाँ मिक्स है, ग्रीन रेड सब कुछ मिक्स है, तो वहाँ आके हमारा फ़ायदा नहीं होता, हम आना ही नहीं चाहते थे, मगर ये जो उससे बचने के लिए तो हमने वो प्राइवेट क्वारंटाइन सेंटर जो बुक किया है, हम वहाँ पर एक साथ जा रहे हैं अभी जितना भी यहाँ पर हमारे साथी है। आई आप सबको अपडेट देने के लिए, और आपको सेंटर में पहुंच के भी अपडेट देंगे हमारा क्वारंटाइन सेंटर कैसा है। उसके बाद कुछ कुछ साथी है वो लोग का हाल चाल कैसा है कुछ जानकारी भी आपको दिखाते हैं। तीन दिन का सफ़र हो गया है, सब अपना अपना लाइफ का ये सबसे लंबा सफ़र में से एक होगा सबके, बस में खासकर बस में। दोस्त तुम्हारा भी तो ये सबसे लंबा सफ़र होगा बस में। हाँ, मेरा भी कभी ज़िंदगी में ऐसा सफ़र हुआ भी नहीं, और ये सफ़र ये जर्नी को कभी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा हम। ऊपर से मतलब
कुछ नॉर्मल दिन होता तो अलग बात है, स्पेशली लोग पूरा होल कंट्री लॉकडाउन है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे समय में हम लोग खुद से बस में इतना लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, जहाँ पर बस से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो खतरा ही खतरा है, तो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे हम। तो ये हम सबका दोस्त यादगार सफर ना। हाँ ठीक है दोस्त, ये हम लोग का सबका मेरा सिर्फ नहीं, हर किसी स्टूडेंट का एक मेमोरेबल वाला जर्नी हो जाएगा। ठीक है, तब तो दोस्त थोड़ा पूछताछ करते हैं बाकी दोस्तों से। ठीक है, तो मेरा साथ आशी है, आशी से जानते हैं। अभी तक हमारा तीसरा दिन सफ़र चल रहा है, आसाम पहुंच गए हैं। उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा आशी कुछ बता दो। मेरा लिए तो ये जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा है, हालांकि एक्सपीरियंस मतलब इतना ख़राब भी नहीं बुरा भी नहीं, क्योंकि हमको जर्नी करना पसंद है, वो सबसे बड़ा बात है। इसीलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यही कि हाँ थोड़ा टॉयलेट वाशरूम में सब जाने में दिक्कत था, क्योंकि अगर हम लोग फिर दवा होटल ये सब में रुकेगा तो वायरस कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, क्या इसीलिए हम लोग ने सभी यहाँ पे ये किया कि जो जंगल है ना वहाँ पे हम लोग ने पूरा अपना सुसु सब चालू कर दिया। फिर खाने पीने का तो हमने वो अपना जो ग्रीन जोन एरिया है जहाँ हम रह रहे थे वहीं से हम लोग ने सामान उतार के यहाँ सब लेके आ गया, और यहीं से पानी हम लोग अभी तक वही का पानी पी रहा है। खाना का भी मतलब खाना तो नहीं, फ्रूट्स ये सब लेके गया है, बिस्किट स्नैक यही सब लेके आया है, और यहाँ तो सब फिलहाल सभी ठीक है। और हम अरुणाचल वालों को यही बोलना चाहेगा कि अब जो है ना क्वारंटाइन सेंटर बना रहा है आप उसको अपोज मत करो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर में फंस गए हैं, उनका ऐसे है कि ऐसा फंस कर डिजीज लाने का उनका कोई इरादा नहीं है। वहाँ बैठ के कोई अकेला ऐसे तक कि कोई कोई कॉलेज में एक ही स्टूडेंट रहता है कि वो कॉलेज किसी को बात करने तक भी नहीं होता, तो वो लोग डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका वजह से सुसाइड रेट जो होता है ना मेंटल डिप्रेशन बहुत हो रहा है। अभी आपको न्यूज़ में भी आ रहा होगा खबर, मानता है कि मेन मीडिया में नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया में तो आप सभी को देखने मिल रहा होगा। तो ऐसे करके क्वारंटाइन सेंटर आप लोग अगर आप लोग ने बाहर नहीं निकलता, आप लोग को अभी ग्रीन एरिया है बोल के आप लोग बोल रहा है कि आप लोग को घूमने मिल रहा है, वही आप लोग को इतना घूमने का शौक है, यही अगर 14-15 डेज के लिए आप लोग ने अगर वही उसको तो कॉम्प्रोमाइज़ करके घर का अंदर रह रहा है और बच्चा को सभी वापस क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे करो, वही में कोरोना का पूरा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बच्चा सभी क्वारंटाइन सेंटर से भाग जाएगा, सभी आने के लिए रह दिए और सभी पूरा नियम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए रह दिए। तो आप लोग अपोज ये सब नहीं किया, जो कल परसों हमने ये फेसबुक सोशल मीडिया में देखा है कि जो BPL कॉम्प्लेक्स है उसको भी बहुत सारा वीमेन विंग्स लोग ने अपोज किया था, वो बहुत खराब बात है। अरे यार वो अपना ही बच्चा है जो बाहर फंसा हुआ है, ऐसे नहीं है कि हमने वहाँ जो कर्नाटक का बेंगलोर से वहाँ का नेटिव को यहाँ ला रहा है, अपना ही अरुणाचल का बच्चा है, वहाँ बाहर बैठेगा डिप्रेशन ये सब होगा। आप लोग सोच रहे हैं कि जहाँ बैठो वहीं पे बैठो, वहीं पे बैठने से सुरक्षित है, ऐसे नहीं है। इतना सारा केसेस भी आ रहा है कि जहाँ से हम ग्रोसरी आइटम ये सब लेता है, अपना जो कॉस्मेटिक ये सभी लेता है, वहीं कई कुछ कुछ शॉपकीपर अभी पूरा वायरस इन्फेक्टेड हो गया, तो वो ऐसे है कि हम लोग तो ऐसे नहीं है कि भूखा प्यासा से तो नहीं बेच रहे, कभी ना कभी तो वो ग्रोसरी आइटम के लिए खरीदने के लिए हमें निकलना ही पड़ेगा, तो साबुन ये सब तो उसमें भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप लोग हम बोल रहे हैं कि हमें उधर मत आओ, तो अगर हम वहीं पे बीमार हो जाएगा वहाँ, तो अपना मुस्लिम जो दिखने शक्ल सूरत एक देखते हैं उसको भी अगर उन लोग ने मेडिकल में एडमिट करने से इनकार कर, हमें तो ये चिंकी चाइनीस बोल के वैसे ही केयरलेस कर देगा, तो अगर मर भी गया तो बोलेगा कि कोरोना लग के मर गया, केयरलेस था, ये सभी तो देखता है ये नोटिस के बच्चे बाहर पार्टी वार्टी करते हैं, भले ही हम रूम के अंदर बैठ के अपना आपको सुरक्षित रख रहा हो, पर उन लोग सभी यही बोलेगा, वही सबसे मेन प्रॉब्लम। इसीलिए हम आप सब जो अरुणाचल में ना जो अपोज कर रहे हैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब जितना हो सकेगा पूरा उल्टा बच्चा को ला के वही क्वारंटाइन सेंटर पूरा सेटअप करने देके, और बच्चा को नहीं बोलना है कि बाहर से मत आओ, उल्टा गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना है कि इतना सारा फंड कहाँ चला गया, इतना सारा फंड आप ये क्वारंटाइन सेंटर सेटअप कर, अभी यही समय है कि आप लोगों जो मेडिकल ये सब दिख रहा है फैसिलिटी नहीं है, उसको आप लोगों को बोलना है कि ये सब मेडिकल फैसिलिटी लाना है, हमारा बच्चा को वापस लाना है, वहीं से इलाज होगा। अगर बच्चा को ला के और ये सब अपने जो फंड है उसको अगर आपने अच्छा दिखाया, अच्छा करके यही से अगर यूज़ किया है, इतना इन्वेस्ट किया है, तो कोई कोरोना वोरोना वायरस से नहीं मरेगा, सभी वहीं पे अच्छे से ही ये होगा, वहीं पे मतलब क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना वायरस का झंझट खत्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट को पूछो, कंडू सर को भी पूछो, उसने 12 लाख इतना CM रिलीफ फंड में जो लोग ने डोनेशन किया वह कहा गया, उसने बोला कि 9 करोड़ 12 करोड़ का जो फंड है, 20 करोड़ प्लस फंड है, और
जो उसने बोला कि 9 करोड़ फंड को क्वारंटाइन सेंटर सेटअप किया, पर बंदरदेवा का आप लोग ने हालत देखा है, उसमें वो 9 करोड़ आपको दिख रहा है, वहाँ तो सिर्फ 2 लाख ऐसे ही गया होगा, तो बाकी पैसा कहाँ है? आप लोग इतना नैरो माइंडेड मत हो प्लीज़। वो वहाँ इतना पैसा आप लोग को गवर्नमेंट लूट रहा है, आप लोग उसको नहीं देखे, बच्चा जो बाहर इतना फंस के कष्ट उतार रहा है उसको ही आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब इतना पढ़ा लिखा हो के भी क्या करेगा आप लोग का ये दिमाग में, जबकि ये चीज़ को आप लोग इसे जज नहीं कर पा रहे ना, तो क्या फ़ायदा आप लोग का पढ़ने का? ठीक है, थैंक यू। अभी जर्नी कर करके तो बहुत वोमिटिंग लग गया ना, चक्कर भी आ रहे हैं, आदत नहीं है ना बस में, तो बहुत तकलीफ लग रहा है अभी ना, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहे, बाहर भी निकलने मन नहीं है ऐसे होके, बहुत तकलीफ लग रहा है। बस में थोड़ा सा भी आदत नहीं है ना जर्नी करने, इतना लॉन्ग जर्नी ना, तो बहुत सारा बहुत तकलीफ हो रहा है हमको, तो जल्दी अरुणाचल पहुंच जाने से ठीक है, इसे वही सोच रहे हैं। जर्मन सिपट का बच्चा क्या ढूंढ रहा है? दोस्त अपना सफ़र कैसा चल रहा है कुछ बता दो। सफ़र बहुत बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, लेकिन सब कुछ तो ठीक ही था, दोस्तों के साथ जाके अच्छा लगा है, वंस इन ए लाइफ टाइम वाला सफ़र है, थैंक यू। दोस्त अभी तक का सफ़र कैसा रहा कुछ एक्सपीरियंस बता दो। ठीक था अभी तक का एक्सपीरियंस, तो वैसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन को मेंटेन करने का चक्कर में, भूखा है 2 दिन से। 3 दिन हो गया आज, कुल मिला के 3 दिन हो जाएगा, तो मस्ती है दोस्त लोग के साथ, अच्छा लग रहा है, बाकी तो आपको ही पता है कैसा जर्नी है। ओके, तो हमारा साथ देनी है ऊपर लेता हुआ देगनी, देगनी दोस्त से पूछते हैं हमारा यादगार सफ़र अभी तक कैसा रहा, आज 3रा दिन है दोस्त कुछ बता दो। बहुत बढ़िया है हम लोग जर्नी, इतना दोस्त के साथ में इसलिए टाइम कब गया मालूम ही नहीं चल रहा, 3 दिन तो ऐसे निकल गया, आज कल शाम तक पहुंच जाएगा घर बस। ये है जर्मन शेफर्ड का बच्चा, बहुत वो है एनर्जेटिक वाला है, कभी नहीं थकता है, मालिक भी थक गया पर अभी तक नहीं थका है। हमारे साथ 5 डॉगी है हमारे सफ़र में साथी, ये है रैली गोल्डन रिट्राइवर, ओके ये भी हमारा डॉगी है, ये 3रा डॉगी है, डॉगी पूरा एनर्जेटिक वाला है, मालिक पूरा थक गया मगर डॉगी अभी तक एनर्जी फुल। तो अभी हम रुका है एक जंगल में, जैसे कि आप सभी को बताया है हमारा टॉयलेट सब कुछ यूरिन जो हम जंगल में करते हैं ताकि कुछ कॉन्टामिनेट ना हो। आप देख सकते हैं अभी हम आसाम में हैं, यहाँ पे पूरा कॉमन सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर है, यहाँ पे जो गेट है, तो हमारा पूरा फ्रेंड्स अभी जंगल में इधर उधर गया हुआ है अपना यूरिन वगैरह के लिए। हम 10 तारीख से यही रूट फॉलो करते आ रहा है, बहुत सारा डॉगी है, ओके रोबिन दोस्त अभी तो कुछ हाल चाल बता दो, आओ इधर बैठते तो उपाय रोजी ये है रैली, नो 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 वो तो रैली आपको 500 पीस ना कौन लिया होगा ना, और इस नो
रैली तो यहाँ पे हमारा पूरा दोस्तों जंगल में अपना अपना जगह चुनकर चला गया है, यूरिन टॉयलेट वगैरह के लिए आशा में रुका हुआ हूँ। हमारा तीसरा दिन का सफ़र ख़त्म होने वाला है तो हम कल सुबह पहुंच जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। हमारे बस वहाँ पे है तो आपको मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश पहुंच के। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम आ गए हैं अरुणाचल प्रदेश। तो यह है PTC, मगर यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है तो हमें यहाँ पे आधा घंटा रुकना होगा। हाँ जी कोई नहीं है यहाँ पे। पाँच बजे पहुँच आलो 35 हाँ स्क्रीनिंग के लिए सब निकल गया है PTC बंदर दुआ एक आध का डिस्टेंस लेते हुए ऑलमोस्ट 2 घंटा रुका है, डॉक्टर नहीं आया हुआ था तो सामान भी पूरा अपना लगेज है यहाँ तक जंगल से कैरी करके लेके आया है अपना कंधे पे, पूरा पसीना निकल गया। आ गया चुंगदो से PTC बंदर दुआ, यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर है, हमारा स्क्रीनिंग होगा इसके बाद हम निकल जाए। मेरा हो गया था हाँ, बीमार नहीं है कोई मेरा एंट्री हो गया है, आप देख सकते हो पीछे में मेरा 2nd नंबर पे हुआ है। तो अभी जाना है बस में, यहाँ से अलग बस में निकलना है चंद्रनगर, त्रिदी होटल है हम वहाँ पे रहेंगे। मेरे लाइफ में इतना लगेज कभी नहीं बुका है, लगभग ऑलमोस्ट 1 क्विंटल जैसा है सब कुछ मिला के। तो जंगल से पूरा खानदान उठा के लेके आया, कीचड़ है और 3 दिन से खाना नहीं खाया है, एनर्जी थोड़ा कम है। ये PTC बंदरदुआ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। तो आधा दोस्त यहाँ पे रुका है, लाइन पे है। ये लोग बता रहे सामान आने का, जैसे पल्स में गेटकीपर को अच्छे से नॉलेज दे देना है।
कुछ नहीं होते वही हमारा दोस्तों कुछ वो है आर्गुमेंट हो रहा है इतना दूर से सामान बनाया था तो अपना सामान रखे ना कुछ नहीं ये प्रोसेस कंप्लीट कर लो ये लाइन लाल लाल वाला लाइन को फॉलो करके जाओ ना थोड़ा दूर दूर करके सोशल डिस्टेंस करके भैया मुलुक आ लेने तो अभी के लिए ये दोस्त लोग को वेलकम कर रहा है जो आपने जो किए हमको जोर के अपना गेट पहुंच के फोकस कर रहे हो सही नहीं अपना गेट तक पहुंच के कैसा लग रहा है दोस्त लोग बोल दो मतलब ठीक ही है बहुत बढ़िया लग रहा है अपना अरुणाचल अच्छा है ना पंजाब अच्छा है ना पंजाब वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था ना यहाँ ही हो रहा है हम लोग का सैनिटाइज होने वाला है बस यह है अरुणाचल गेट मंदिर अरुणाचल गेट सर कोना में सैनिटाइज कर रहा है तो हम गेट पार कर चुके हैं अपना अरुणाचल की ओर बढ़ते हुए आगे में चलते रहो ये कोंकण नाला में ये है कर्सिंगसा मंडुआ के बाद कर्सिंगसा है विलेज ये है लकी विलेज नारलगन सब्जी मार्केट है यहाँ पे बैम्बू कैरी करते हैं आप देख सकते हैं बैम्बू बहन का पापा उधर है रास्ता से देख सकते हैं पापा अरे दोस्त लोग अरुणाचल का हवा कैसा है बताओ रोड अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन टीचर है पूरा थक गया दोस्त लोग थक गया पीछे में आधा बस है वहां में जो आ रहा है वहां में आधा है हम यहाँ पे आधा है ये अबू तनी है अबू तनी अबू तनी कौन है मेरा पापा है मेरा अबू है किसका अबू है बताओ मेरा अबू है सबका सब लेजी हो गया बहुत लेजी हो गया ज्यादा लेजी हो गया
ईटानगर आ गया है। यह है ईटानगर, यहाँ से ईटानगर शुरू होगा। यह है विवेक विहार, यहाँ से शुरू है। ये है हमारा 3D होटल। हम लोग नहा कपड़ा सुधला के कहाँ सुधरेगा ना। ये है चंद्रनगर और हमारा 3D होटल हो रहा होता है।